और वो वायरल हुआ था, हम आपको सुनाते हैं। वो गाना हमारा फेवरेट भी है। सुना में। न्योता भेजले बानी बेल की पतैया पे, गौरा जी के सैया के ना हो। बहुत बढ़िया। न्योता भेजले बानी बेल की पतैया पे, गौरा जी के सैया के ना। एक और लिख ली राम राम, एक और लिख ली घना श्याम, एक और लिख देहली नाम देवी मैया के, गौरा जी के सैया के ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार गीत था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण दो ही, हम लगता है एक मिनट भी नहीं हुआ, एकदम माहौल बन गया भक्ति का। अच्छा, वास्तव में का सपना वा, का मतलब सोचिए हम ये लाइन जाए कि का मुकाम कुछ कहाँ तक आप सोचे? हम मतलब एक बारे में सोची था कि एक दिन हम सक्सेस यूट्यूबर बन जाए। हाँ। और मतलब बहुत जन ऐसा है कि नाम ना बता सके, तो मजाक ले हैं जब चैनल स्टार्ट कर रहे, तो हम सोची कि कोनो मजाक का चीज ना आए, हम सीरियस ही चीज रहे और सक्सेस हो जाए। वो हम सोची था कि जैसे मतलब दीदी देखी था बन्ना दीदी के, सही सब सपोर्ट कर रहे थे सबके, तो हम सोची थे कि हम सबके सपोर्ट करी, सब हमसे मिले, हम मतलब बराबर सबका सपोर्ट करी। और ज़्यादातर हम अक्सर हम सबका चैनल देखे, जेकर सब्सक्राइबर बहुत कम रहे, व्यू बहुत डाउन रहा था, हमसे सपोर्ट नहीं मांगे रहे, तब पर भी हम उनका चैनल पर जाए कि उनका मतलब चैनल सब्सक्राइब करी, सपोर्ट गई थे। बड़वार के एकदम पीछे हो जाए लेकिन उनका जरूर जाए थे। देखिए भैया, बंदना दीदी से सबक लेते हुए उनको नसीहत को मानते हुए, वह भी एकदम सेम टू सेम ऐसा करना चाहती हैं। जितने भी यूट्यूबर छोटे भाई लोग हैं या जो बड़े हों, वो भी आप इनसे मिल सकते हैं, इनके पास आएंगे और ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे। जैसे ये करती है आप भी वैसे करेंगी। सपोर्ट करने से इंसान बड़ा हो जाता है। आज बंदना दीदी जो है सपोर्ट करते हुए बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। जितना सपोर्ट उनका एक दिन में कम से कम 300, 400, 500 भी पैडे बढ़ रहा है, और जितने लोग आते हैं सबका बढ़ रहा है, ऐसा नहीं पर्सनल उनका, सबका बढ़ रहा है। तो अच्छा ही बताओ, जब आप सूरत चली गई हैं तो कब आएंगी फिर अगली बार ये मिले चाहे मान लें? हम बस अगले मतलब गर्मी में आउट जाते। तो आप भी ये काम करिए भैया, देखिए आप भी आने से पहले एक ब्लॉग जैसे बनाती दादी, आप ब्लॉग बना दीजिए। दोस्तों मैं आ रही हूँ घर, रहूँगी 10 दिन 15 दिन, जिसको मिलना है तो, लेकिन आएंगे कैसे? अपने पति का जो है नंबर, अगर अपना नहीं डाल सकती, पति का नंबर जो है बता दीजिए, इनसे कॉन्टेक्ट करके लोग चले आएंगे आराम से। और तमाम न्यूज चैनल वाले भी हैं तो आएंगे, और इससे प्रचार प्रसार होगा और सब लोग का साथ होगा। और एक की लास्ट मैं पूछी चाहती, गाना गाड़ी की कॉमेडी बनाओ थी? ना कॉमेडी हम नहीं बनाई। अच्छा, कौन ऐसी बात आपके क्यों कहे हुई यही लाइन में छोटा मोटा? हाँ। इन लाइन में और खराबो लगा हो मगर अच्छा हो, आप आगे बढ़ेगी कुछ ऐसी बात बताओ, बिना कोई नाम हो मिले, बिना नाम लिए कुछ ऐसी एक आध दो मिनट ऐसे बता दें। नहीं, मन बस बहुत जने जैसे बहुत जने ऐसा पूछे हैं कि हाँ कि पैसा मिला बा कि नहीं मिला, बहुत जने को लगा था कि पैसे को जैसे करते, लेकिन ये बात नहीं रहा। तो बहुत जने अपन बहुत जने की मजबूरी रहा था, बहुत जने सक्सेस हो भी करते, नाम कमा भी करते, सबका अलग अलग निजी निजी कारण रहा था, वो मतलब सबको क्यों बता ही नहीं सकते कर का पर्सनली कारण बा। और बहुत जने सोचा था कि पागलपंती ये सब पगला ही कर जाए, हो जाता है तब पता चलता है ओकर वैल्यू का होता, कितना स्टार्ट करे रहे। सही बात। जब तक मने उनाय होत बा तब तक जान मजाक के पात्र बा, लेकिन ये कुल गलत है। सबका सपोर्ट करे चाहे साथ दे चाहे कभी भी इंसान वहाँ सामने वाले के इंसान के भी काम में आ सकत है। एकदम सही सोच बताई। देखा आप लोग, देखिए देख रहे हैं पूनम शुक्ला जी को, देखिए चैनल पे आप जा करके इसको सपोर्ट करिए। आपका फेसबुक आईडी भी है? जी फेसबुक आईडी भी है। फेसबुक पेज नहीं, अभी बना नहीं है, तो आप बना लीजिए इसी नाम से। हम चाहते हैं इनके फेसबुक पेज बन जाएगा, आप लोग उस पर भी जाएंगे, क्योंकि उस पर डालेंगे तो ज़्यादा लोग देखते हैं। तो भैया देखा बस इतना ही, अगली बार अगले महीने में 2 महीने बाद जब दोबारा मुलाकात हो तो अगला इंटरव्यू आपको देखने को मिले। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, पंडितीप मौर्य और पूनम शुक्ला की तरफ से सभी देखने वाले को बहुत बहुत प्रणाम।